कोरोना संक्रमण से पूरा विश्व इस कदर प्रभावित रहा है कि अभी भी इसे निकलने के जद्दोजहद में सरकारी तंत्र को परेशानी हो रही है। निजी अस्पताल, कारोबार, शिक्षण संस्थानों के सामने यदि पूंजीगत समस्याएं खड़ी है तो वहीं आम जनता भी तनाव में ही है। आजकल स्कूलों द्वारा निर्धारित शुल्क वसूली को लेकर आए दिन अभिभावकों के बीच तानातानी का माहौल चिंता का विषय बना हुआ है। इसके पीछे कोई स्पष्ट आदेश नहीं होना भी बताया जा रहा है। ताजा घटना पटना की एक प्रतिष्ठित स्कूल से जुड़ा हुआ है। शुल्क वसूली करने के तरीकों को लेकर अभिभावकों की नाराजगी का सामना स्कूल प्रबंधन को हर दिन झेलना पड़ता है। जरा गौर करें इस तानातानी पर। नहीं, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि गवर्नमेंट का कोई नोटिस नहीं है कि हमको ट्रांसपोर्टेशन भी देना है, एनुअल भी देना है और ट्यूशन फी भी देना। आप मुझे बस ये बोलिए। हम आपको बताएं। हाँ बताइए। आप अप्रैल मंथ में भी नहीं दी, मई मंथ में नहीं दी, जून में नहीं दी। गवर्नमेंट का कहीं पे भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आपको 3 महीने का फी नहीं देना। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूरी बात ओके ओके जो वीडियो बनाना है बनाइए। ओके एक सेकंड मैम बोलिए, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। हाउ डेयर यू आर मेकिंग वीडियो ओवर हियर। क्यों मैम? नो मैम, आप ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बोलिए। ट्रांसपोर्टेशन फी के बारे में हम जो बोल रहे हैं कि हमारा फ्यूल एक्सपेंसेस नहीं लगा है, हम 20% रिड्यूस किए हैं। ओके, और हम लोग वो लेंगे, बाकी सारा लेंगे। आप 2500 जो जोड़ रहे हैं, जीपीएस जोड़ रहे हैं, लाइब्रेरी जोड़ रहे हैं, लैब जोड़ रहे हैं, क्या आप वो लेंगे? बिल्कुल मैं बनाऊंगी, मैं बिल्कुल बनाऊंगी। क्यों नहीं बना सकती? बिल्कुल मैं बनाऊंगी, मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाऊंगी? जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आया हुआ है फिर आप इस तरीके से हम लोग को क्यों प्रेशराइज कर सकते हैं? क्यों नहीं? पर डे मुझे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोले नहीं दिया। बिल्कुल मैसेजेस है हमारे पास, कॉल्स है हमारे पास। क्यों नहीं बनाओगे? नहीं बिल्कुल पढ़ाना है, पढ़ाना है तो ही तो। नहीं मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे ये जानना है कि क्यों आप लोगों ने ये गलत है। राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस बाबत पूछे जाने पर सरकारी दिशा निर्देशों को जिम्मेवार माना है। सामाजिक समस्याओं से सीधा सरोकार रखने वाले नेता पप्पू यादव ने स्कूल प्रबंधन तथा अभिभावकों के लिए जो कुछ कहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। व्यापार करना शुरू कर दिया, मास्क का, मास्क के भी फीस लेना, ऑनलाइन एजुकेशन दे करके फीस लेने की प्रवृत्ति घुमा दी इन्होंने कि ऐसे नहीं तो ऐसे हम फीस लेंगे। स्कूल कह रही है कि मैं क्या करूंगा, स्टाफ को पैसा देगा। तो भाई आप उसका बोझ, जो बच्चे 3 महीना आपके यहाँ गए नहीं, वो बस का भाड़ा तो नहीं देंगे ना, ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं देंगे ना। 4 महीना आपके यहाँ बच्चे नहीं गए, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस आप जबरन नहीं दे सकते। आप सरकार से अपना डिमांड बढ़ाइए कि आपको ये सुविधा देना है। बहरहाल लॉकडाउन के चलते उपजे आर्थिक तंगी के कारण तानातानी के दौर में शासन प्रशासन को जनहित में कोई ठोस गाइडलाइन जारी करनी चाहिए ताकि ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ स्कूल प्रशासन और अभिभावक अपने दायित्वों का निर्वहन सुगमता से कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज पटना।